Good morning. Welcome to online class. We have started in poem 2, Wind. इसके क्वेश्चन आंसर, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे. इसके लेखक हैं सुब्रमण्यम भारती. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. What are the things the wind does in the first stanza? पहले पद में आंधी या हवा क्या करती है? आंसर, द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, स्कैटर द पेपर्स, थ्रोस डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, टियर्स द पेज ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग द रेन. आंधी खिड़कियों के पल्लों को तोड़ देती है, कागज के पन्नों को यहाँ वहां फेंक देती है. क्वेश्चन नंबर 2, Have you seen anybody windows grain at home or in a padding field? What is the word in your language for winnowing? What do people use for winnowing? Give the word in your language if you know them. क्या तुम किसी को अपने घर पर अनाज की उस भूसे को अलग करने या धान के खेत में अनाज से उसे अलग करके देखा है? आपकी भाषा में इसके लिए हम क्या कहेंगे? आंसर, यस, आई हैव सीन माय ग्रैंडमदर विनोइंग ग्रेन एट होम. पचका इज अ वर्ड इन माय लैंग्वेज, हिंदी फॉर विनोइंग. Winnowing basket is used for winnowing. बहुत ही सरल उत्तर है इसका कि yes, यानी हाँ, मैंने उन लोगों को यह कार्य करते देखा है. हम इसे गहना कहते हैं. लोग किसी स्टैंड पर फोन के सामने अनाज या धान उसके भूसे के मिश्रण को खड़े होकर गिराते हैं. हवा चलती है या यदि फैन चलता है तो अनाज या भूसा अलग अलग हो जाता है. हम इसे गहना कहते हैं. आजकल ये कार्य मशीनों के द्वारा किया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोस? वायु देवता किसे उड़ा ले जाता है? आंसर, द पोएट सेज दैट द विंड गॉड विनोस crumbling houses, doors, rafters, wood bodies, leaves and hurts and then crushes them all. Vayu Devta winnows, vine wood god, crumbling houses, घरों को लेता है, doors के दरवाजे, खिड़कियाँ, furnitures और जो रहने वाले लोग हैं और उनके सब चीजों को क्या करता है, क्रश कर देता है या तोड़ देता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड वी डू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? हवा को हमें मित्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर है इसका, टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड डोर्स, वी शुड स्ट्रेंथ our bodies and make the heart beat fast. हमें अपने घर को मजबूत बनाना चाहिए, दरवाजों को मजबूती से जोड़ना चाहिए, अपने शरीरों को दृढ़ बनाना चाहिए और दिलों को मजबूत बनाना चाहिए. इस प्रकार हम आंधी से दोस्ती कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, what do the last 4 lines of the poem mean to you? आखिरी की जो कविता की आखिरी की जो 4 लाइन है उसका मतलब क्या है? इसका आंसर, द लास्ट 4 लाइंस गिव अ वेरी पावरफुल मैसेज. दे से दैट विंड दैट ब्लोस वीक फायर्स इज द सेम विंड दैट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर फ्लरिश. दिस इंप्लीज दैट द वीक पीपल आर ब्रोकन बाय फोर्सेस. But the people who are strong as the strength are
with the wind of or a strong forces is good. We have to just stay strong mentally as well as physically. यानी आंधी जो है, चार पंक्तियां बता रही हैं कि आंधी कमजोर लोगों को सताती है, किंतु जो स्ट्रांग लोग हैं उनकी सहायता करती है. इसलिए हमें हर तरीके से स्ट्रांग या मजबूत होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डज द पोएट स्पीक द विंड इन एन एंगर और विद इन हैमर. यू मस्ट आल्सो हैव सीन हर्ड ऑफ द विंड वाइंड क्रम्बलिंग लीव्स. व्हाट इज योर रिस्पांस टू दिस. इट इज लाइक द पोएट्स. कवि आंधी से कैसे बात करती है, गुस्से में या हंस के. अपने आपने भी आंधी को जीवन को नष्ट करते देखे या देखा या सुना होगा. आपकी इस प्रकार प्रतिक्रिया होगी. कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं कि क्या आपकी प्रतिक्रिया कवि जैसी होगी. इसका आंसर है, आंसर द पोएट स्पीक्स टू द विंड विद हमर. ही सेज दैट ही विंड प्रेशर्स houses, doors, rafters, wood, bodies and leaves. He says that the breeze, the shutters of the windows and scatters the papers. But at the same time, he also points out that the wind brings rain. He tells the readers that we must become powerful and build strong houses because the wind only damaged weak things. Yes, I too have seen the wind toppling leaves on the news channels. Wind bring massive destruction. Sometimes it uproots weak trees and even claims leaves of people. But as the poet says, he must try to be more powerful and build power structures. मतलब कवि आंधी से गुस्से में बात करता है कि वह आंधी की विनाशकारी प्रकृति चिन्हित करता है और जब वह क्रोधित हो जाता है, जब वह देखता है कि आंधी सबकी जिंदगियां उजाड़ रही है, तो वह दुखी हो जाता है. जब वह देखता है कि आंधी मजबूत लोग के साथ मौजूदगी में मैत्रीपूर्ण है और कमजोर लोगों को सताती है. हाँ, मैंने भी आंधी की जिंदगी को उजड़ते और जीवन को नष्ट करते देखा है. जब वह तूफान बन जाती है तो पेड़, घर और अन्य सभी चीजों को डैमेज करती है. यह प्रतिक्रिया जो है कवि की भांति ही मेरी भी प्रतिक्रिया यही होगी. तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर है और इसका अर्थ है. अब एक नया क्वेश्चन है. द पोयम यू हैव जस्ट रीड द ओरिजिनली इन तमिल. डू यू नो एनी सच पोयम इन योर लैंग्वेज. जो पोयम है वो ओरिजिनली तमिल में है. आपको इसको भाषा से आपको क्या समझ आया. Answer, yes, I have read such a poem in my language, Hindi, by the name Tufan. Yani humne uska Hindi name kya diya hai? Tufan ka naam diya hai. So, bachcho, ye question answer jo aapne padhe aur jis speed se main padh rahi thi, read kar rahi thi, aapke liye bhi hai ki aapko bhi kya karna hai, usi speed se aapko ghar mein बुक खोल के रीड करना. ठीक है, तो ये होमवर्क दे रही हूँ आपको कि रीड दिस पोयम. फिर से रीड करें पोयम को विद स्पेलिंग. स्पेलिंग का ध्यान रखें. राइट क्वेश्चंस एंड आंसर्स. आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन के आंसर्स बिल्कुल सीधे लिखने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है और शब्दों पर विशेष ध्यान देना है. ठीक, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.